अनेकानां ग्रंथानां काव्यानां तथा साहित्यस्य यशस्विनी लेखिका नाना प्रकारै पुरस्कारै राष्ट्रेण सम्मानिता यस्याः उद्बोधनं श्रावं श्रावं वयम् अविरवचनीयम् आनन्दातिरेकम् अनुभवामः। या खलु यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता इति अस्य सुप्रसिद्धस्य कथानकस्य प्रतिमूर्तिरूपा अत्र विराजते मुख्य अतिथिरूपेण, यस्याः सम्बोधनं प्राप्य वयं सर्वेऽपि परां तृप्तिं प्राप्ता स्म। एवं विहा अस्माकं पूज्या भगिनी डॉक्टर चित्रा मुद्गर महाभागा अत्र अधिमंचम राजमानः मान्यः विश्व महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः हिंदी साहित्ये कृतभूरि परिश्रमः डॉक्टर नागेंद्र कुमार महोदयः मध्येशालं शोभमानः विविधानां विषयाणां परम पारंगतः विद्वांसः अनेके साहित्यकारः पत्रकारः लेखकः तथा च विश्व प्रसिद्धे अस्मिन् भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाने परमात्मना कृपया अध्ययनरता स्वाभिमानेन अत्र प्रौद्योगिकीं शिक्षां प्राप्तवन्तः प्राप्यमानः वा अत्रत्याः सर्वेऽपि युवानः छात्राः अतिथयश्च। यतो हि अद्य दिवसोऽयं हिन्दीदिवसः संस्कृतदिवसरूपेण भवद्भिः अस्माभिः सर्वैरपि अभिनन्यते। तस्मात् कारणात् साहित्यवचनानि संस्कृतभाषामाध्यमेन उदीर्य तदनन्तरं राष्ट्रभाषा हिन्दी माध्यमेन किञ्चित् वक्ष्यामि। भवन्तः सर्वेऽपि जानन्ति अस्य देशस्य या प्राणभूता भाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननीरूपा भाषा यस्यां भाषायां विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः ऋग्वेदः विराजते, यस्याः भाषायाः आदिकविः वाल्मीकिः विरचितं रामायणं महर्षिवेदव्यासप्रणीतं महाभारतं कविकुलगुरुः कालिदासः प्रणीतानि नाटकानि महाकविवानभट्टप्रभृतिभिः गद्यकारैः विरचितानि गद्यकाव्यानि पाठं पाठं भारतवर्षस्य कोऽपि अप्रतिमः स्वरूपः अस्माभिः अवलोक्तुं शक्यते तादृशी भाषा वर्तते। केचन कथयन्ति संस्कृतभाषा केवलं कर्मकाण्डस्य भाषा, केवलं पूजायाः भाषा, केवलं विवाहोत्सवे नामकरणसंस्कारे मन्दिरे वा तत्र पूजासमये संस्कृतभाषायाः प्रयोगः क्रियते। परम् एतदेव संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं नास्ति। भवन्तः स्मरन्तु भारतवर्षस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य ऐतिह्यम्। अमरग्रहितरामप्रसादविस्मृतप्रभृतयः वीरवरः हसन्तः कूदन्तः गायन्तः नृत्यन्तः स्वकीयं जीवनं भारतमातायाः अर्चनायां पूजायां समर्पितवन्तः। यतोहि तेषां हस्ते पुस्तकं भवति स्म श्रीमद्भगवद्गीता, यत्र लिखितमस्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं पेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। वातांसि जीर्णानि यथा विहाय नमामि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमामि। भ्रातरः भगिन्यश्च, यदि संस्कृतभाषा विलुप्ता, यदि संस्कृतभाषा अस्माभिः स्वजीवनात् बहिष्कृता, यदि संस्कृतभाषायाः साहित्यं विलुप्तं दग्धं नष्टं वा तर्हि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो
इति संदेशः कः प्रदास्यति यदि संस्कृत भाषा भारत वर्षे नास्ति तर्हि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः इयम् धरती इयम् धरणी अयम् देशः अस्माकं सर्वेषां मातृरूपः वयं सर्वेपि अस्याः भारत मातुः पुत्रा स्मः इति संदेशं कः स्मारयिष्यति यदि रामायणं नास्ति भारत देशे यदि महाभारतं दग्धं विलुप्तं समाप्तं यदि रम्या रामायणी कथा यदि कलि कुल कालिदास साहित्यं बहुभूति साहित्यं कौटिल्य अर्थशास्त्रं पंचतंत्र सदृशः ग्रंथः न विद्यन्ते यदि भर्तृहरि विरचितं नीति शतकं नास्ति वैराग्य शतकं नास्ति तर्हि कः जीवनस्य पंथानं निर्देक्षति बंधो ये हमारा वो अमर साहित्य है ये वो हमारी कालजयी रचनाएं हैं ये हमारा वो वैभव है हमारी ये वो धरोहर है कि इसके समाप्त होने पर ये देश स्वतः समाप्त हो जाएगा उसको समाप्त करने के लिए किसी शत्रु की किसी एटम बम की किसी बहुत बड़े घातक शस्त्र की आवश्यकता नहीं क्योंकि तो भारत जब तक भारत है जब तक यहाँ की परंपराएं हैं यहाँ के आदर्श हैं यहाँ की संस्कृति है यहाँ के परिवार हैं यहाँ की मानवता है यहाँ के जीवन के आदर्श हैं यहाँ का प्रेम है यहाँ समर्पण है सौहार्द है मित्रता का भाव है माता पिता का भाव है तब तक भारत भारत है केवल मात्र वैभव से क्षमा कीजिएगा बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से बड़े बड़े भवनों से बड़े भोग की सामग्री से भारत भारत नहीं कह जा सकता बताओ तुमको जीवन में सबसे अधिक सुख की प्राप्ति किस क्षण में कहां होती रही है मेरा उत्तर होगा कि जब जब मैं दौड़ता हुआ बस से रिक्शे से बैलगाड़ी से साइकिल से पैदल होकर के अपनी अनपढ़ माता के चरणों में जाकर के जब उनको प्रणाम करता था और उनका हाथ वो मेरे जीवन का सबसे सुखद सबसे आनंद का क्षण होता था यदि कोई मुझसे पूछे कि बताओ दिल्ली की किसी फाइव स्टार होटल में और अब तो उससे भी आगे के स्टार वाले होटल बन गए हैं बड़े बड़े महंगे होटलों में भोजन करने के बाद तुमको सबसे भी कोई स्वादिष्ट भोजन संसार में लगता हो तो वो कौन सा है तो मेरा एक उत्तर होगा कि मेरी माँ के हाथ से बना हुआ जो भोजन मुझे मिलता था संसार मित्रों माँ माँ होती है माँ से बढ़कर मेरे मराठी स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं जब जाया करता था तो बहुत सारे ट्रकों के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ मैंने पढ़ा बार बार और मेरी आंखें भीग जाती थी आई पूजा सिखाई सामर्थ्य नंदिनी से हे माँ तुम्हारे चरणों में ही नंदिनी का कल्प वृक्ष का कामधेनु का सबका जो सामर्थ्य है सबकी जो शक्ति है माँ वो सब कुछ तुम्हारे चरणों में विद्यमान है जब मैं चरणों को छूता हूँ तो वो सब कुछ मुझे धरोहर के रूप में प्राप्त हो जाती है ऐसा ये भारत देश और हमारी माँ संस्कृत माता हमारी माँ हिंदी भाषा स्वतंत्र भारत में इसकी उपेक्षा हो इसके प्रति उदासीनता का भाव हो इसके प्रति आत्महीनता का भाव हो इसको देख करके हम हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो जाएं ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र भारत से पूर्व भी जिन राष्ट्र नेताओं ने देश का आह्वान किया जब जब उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से देश को पुकारा देश की जवानी को पुकारा देश की ललनाओं का आह्वान किया ये करोड़ों का भारत देश इस देश की माताएं इस देश की ललनाएं इस देश की बेटियां इस देश के नौजवान इस देश का सारा समूह चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी में जब देश का आह्वान किया होगा तो संभवतः देश मरने मिटने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा लेकिन जब बाबू सुभाष ने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा सारे देश में और यहाँ
मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जब उन्होंने राष्ट्र के लिए आह्वान किया, सारे सोने के आभूषण नेताजी के चरणों में समर्पित कर दिए, और महिलाओं को एक आभूषण सबसे अधिक प्रिय होता है, वो सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन अपने गले में पड़ा हुआ सौभाग्य सूचक मंगल सूत्र कभी अर्पित नहीं कर सकती, उसको गले से कभी भारतीय ललना नहीं निकालना चाहती। लेकिन जब सुभाष ने पुकारा देश के लिए आवश्यकता है, स्वतंत्रता का पुकार रही है, आजादी बुला रही है, तब इस देश की और सौभाग्य की कार्यों ने अपने गले में पड़े हुए मंगल सूत्र भी सुभाष के चरणों में उतार कर रख दिए। लाल किले की प्राचीर से जब जब इस देश के राष्ट्र नेताओं ने हिंदी भाषा के माध्यम से इस देश की आत्मा को पुकारा, उस आत्मा के साथ अपना संवाद स्थापित किया, जब उस आत्मा के साथ अपनी कुछ मन की बात कही, तो ये देश के राष्ट्र उठ करके खड़ा हुआ, भाव विभोर होकर के, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे विदेशों में हिंदी की पताका फहराने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, या उस समय देश के स्वाभिमान को जगाने के लिए 75 मिनट तक संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी रहे हो, अपने शब्दों में अपने ढंग से जब पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, संवाद किया जाता है, बातचीत की जाती है, उसका एक अनूठा परिणाम होता है। मैं 5-6 साल पहले एक विश्व सम्मेलन में ह्यूस्टन गया, अंग्रेजी के माध्यम से वहां अपना विचार रखना था, मैंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन मैंने देखा कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बांटता चला जा रहा हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री उस कागज को बांट दिया करते थे, लोग सो जाते थे तो सुन लेते थे, इसी प्रकार से मैंने भी वो कागज पढ़ा और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया वहां पर मुझे दिखाई नहीं। तब मुझे लगा 7 समुद्र पार करके और इतनी लंबी यात्रा करके अमेरिका में आना निरर्थक ही हुआ यदि मेरी बात को सुनकर के किसी के मुखमंडल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तब मैंने कहा कि जिस विषय पर ये संगोष्ठी हो रही है उस वेद की भाषा संस्कृत भाषा है, और जिस भारत से मैं आपके बीच में आया हूँ उस देश की भाषा हिंदी भाषा है, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर हिंदी में और संस्कृत में बोलने की अनुमति प्रदान करें, और ये कहकर के मैंने संस्कृत में बोलना प्रारंभ किया, और आज भी उस दृश्य को मैं स्मरण करता हूँ, जितनी देर तक मैं संस्कृत में बोलता रहा, वेद मंत्र सुनाता रहा, गीता के श्लोक उनके सामने उच्चारित करता रहा, उतनी देर तक ह्यूस्टन विश्वविद्यालय का वो विशाल सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता था। हृदय की भाषा थी वो, आत्मा की भाषा थी वो, मन की भाषा थी। हम परम आदरणीय अचिंता मुद्गल जी की कथाओं को, उनके उपन्यासों को, उनके कहानियों को, उनके ग्रंथों को पढ़ करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, एक अनिर्वचनीय आनंद की हमको अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी भाषा में सब कुछ लिखा, हमारे मन की भाषा, हमारे अंदर की भाषा। यदि उन्हीं का सारा साहित्य अंग्रेजी में लिखा हुआ रखा होता तो हम दूर से उसको केवल बहुत सुंदर अच्छे ढंग से प्रकाशित हुई है, बहुत बढ़िया इसकी साज सज्जा है, मूल्य भी इसका बहुत अच्छा है, ये देख करके और देख करके आगे बढ़ जाते। आप में से हो सकता है IIT के या JNU में शिक्षा प्राप्त करने वाले 1-2% लोग उठा करके उन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। आप बताइए देश की कौन सी झोपड़ी होगी, कौन सा ऐसा गांव होगा, कौन सा ऐसा कर्म होगा जहां पर तुलसीदास का रामचरितमानस न पढ़ा जाता हो, कौन सा ऐसा परिवार होगा इस देश का जहां पर वाल्मीकि रामायण को श्रद्धा के साथ रामायण किया जाता होगा, कौन इस देश का सामान्य से सामान्य व्यक्ति होगा जिसकी कथा साहित्य में उपन्यास पढ़ने में रुचि हो और उसने मुंशी प्रेमचंद का नाम नहीं सुना होगा या उनके किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा मैथिली शरण गुप्त सुमित्रानंदन पंत और निराला को सुनकर के जिसका हृदय पुलकित न होता हो, जिसका हृदय आनंद से भर जाता हो, क्योंकि ये सब हमारा अपना खजाना है, ये सब हमारे अपने हैं, ये हमारे देश के हैं, इस मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है, इस मिट्टी से इनके विचारों का निर्माण हुआ है, इसलिए लगता है कि ये सब हमारे अपने हैं, इनके बिना भारत का साहित्य साहित्य नहीं है, अधूरा है, निरर्थक है, अपूर्ण है। मित्रों आज 14 सितंबर
नया वातावरण, कराची के क्षेत्री से एक नया संदेश, पूर्व दिशा की उषा की लालिमा में एक नई अरुणिमा, नया उत्साह चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हम कहा करते हैं कि भारत के लोग निराशावादी नहीं होते हैं। अमावस्या की काली अंधेरी रात के बाद फिर से उजाला आता है। भयानक मेघ पटली को छिन्न भिन्न करके भगवान भास्कर फिर उदित होते हैं। इसी प्रकार से एक लगातार अवसाद का, निराशा का, अपमान का दंश झेलते झेलते अब इस देश में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक नई अंगड़ाई लेकर के कुछ उठता हुआ सा, निकलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। उसका हम स्वागत करें। आप बहुत बड़े इंजीनियर बने, आपकी ख्याति केवल भारत और एशिया तक सीमित न रहे, पूरे विश्व में आपकी ख्याति जाए, लेकिन वहां आप भारतीय बनकर के जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में यूरोप के करोड़ों करोड़ों लोगों का दिल जीता का केवल भारतीय बनकर के। भारत का विधान, भारत की चिंतन धारा, भारत का चिंतन जब उन्होंने दुनिया के लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो सारा यूरोप सम्मोहित हो गया। स्वामी विवेकानंद प्रौद्योगिकी संस्थान सारी दुनिया में जिसका नाम है, प्रत्येक माता पिता जब इस द्वार से निकलता है तो उसके मन में एक भूख उठती है, एक इच्छा होती है, कितना अच्छा होता मेरा बेटा भी इस संस्थान में शिक्षा प्राप्त करके देश का एक महान इंजीनियर बनता। भगवान ने आपके माता पिता का वो सपना पूरा किया, आपका सपना पूरा किया, आपको ऐसे ऐतिहासिक संस्थान में विद्या प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप खूब शिक्षा प्राप्त करें, खूब विद्या प्राप्त करें, खूब धनबल आपको मिले, लेकिन उसके साथ भारत और भारतीय और भारतीय परंपरा और अपना स्वरूप स्वधर्मे धनम से यह पर धर्म मेरा वह। गीता कहती है कि अपने धर्म में अर्थात अपने स्वरूप में, अपनी जीवन पद्धति में, अपने संस्कारों में, अपने आदर्शों में मर जाना बेहतर है, लेकिन अपने को छोड़कर के चंद स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का गुलाम बन जाना ये कोई श्रेयस्कर नहीं है। मैं आज इस अवसर पर आप सबको रोम रोम से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस भी, अभी हमारा संस्कृत दिवस गया और एक नया सवेरा आया है, एक नया जीवन हमको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हम उसके साक्षी बने, केवल साक्षी ही न बने बल्कि उस अभियान में, उस आंदोलन में, उस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपने भी आहुतियां लेकर के उस यज्ञ की ज्वालाओं को इतना प्रज्वलित करें कि उसका धूम, उसकी सुगंध, उसका प्रकाश चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रिय डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी को आने का, दो शब्द कहने का, आपके दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ा बड़ा सुखद सौभाग्य है कि आज इस राष्ट्र की नहीं बल्कि विश्व की महान विभूति डॉक्टर चित्रा मुद्गल जी के दर्शन हुए, उनके साथ मंच पर बैठने का, उनको सुनने का अवसर मिला। ये अवसर जीवन का एक बहुत बड़ा सुखद क्षण है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम।